हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फैमिली ट्री के, जैसे मैंने बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे, सिंबल एंड एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो सी फ्रेंड्स, इसमें मेरा क्या रहेगा कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि मैं लास्ट वीडियोज में बताया था आपको कि जो भी मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, तो जो भी हैं वो मेरे क्या थे, सेकंड जनरेशन थे। और जो मदर फादर थे वो क्या मेरे थे, फर्स्ट जनरेशन। और जो बॉय और गर्ल थे वो क्या थे, मेरे जीरो जनरेशन में थे। और जैसे कजिन हैं तो वो भी क्या होंगे, जीरो जनरेशन में होंगे। अंकल और आंट किस में होंगे फ्रेंड्स, वो भी मेरे क्या होंगे, फादर मदर से रिलेशन है तो वो भी मेरे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। तो सी, वैसे ही मैंने इसमें कुछ सिम्बल्स यूज किया हुआ है। तो सी, या मैंने डबल बस दिखाने के लिए किया कि सेकेंड जनरेशन, लाइक जैसे अगर आप बोलते हैं कि इसमें मेरा कितना आ जाएगा, सपोज जनरेशन अगर एक बॉय है, ठीक है, तो उसका ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, तो ग्रैंडफादर सपोज, तो क्या होगा, एक फादर होंगे और क्या होगा, उनके फादर इज व्हाट, ग्रैंडफादर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने ऐसे डबल के लिए बताया कि ये सेकेंड जनरेशन के लिए हो जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए अभी मैं रहने देता हूँ, मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो सी, अभी जैसे कोई वन एरो है अपर साइड पे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ये जो डॉट, एक माइनस लाइन जैसे, वो जीरो जनरेशन, जैसे बॉय गर्ल अगर अपने जनरेशन के लिए होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस। और जो डबल एरो साइडेड है वो मेरा क्या होगा, मैरिड कपल के लिए होगा। और यहाँ मैंने स्क्वायर बॉय के लिए लिया हुआ है और सर्कल ये हमने गर्ल के लिए यूज किया हुआ है। तो सी फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी हम हैं तो हमारे कोई नीचे वाले जनरेशन होंगे, जैसे हमारे कोई बॉय और गर्ल है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड की तरफ एरो मार्क कर सकते हैं। तो वो भी मेरा एक एरो चला जाएगा, तो फर्स्ट जनरेशन, उसके नीचे हमारे, हमारा तो जीरो हो जाएगा, उसके नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन, उसके नीचे सेकेंड जनरेशन। ऐसे करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे फ्रेंड्स, ट्रीट करेंगे। तो ये बेसिक समझा आपको फ्रेंड्स, ये मैंने डबल एरो मैरिड वगैरह के लिए रखा है, स्क्वायर फॉर बॉय एंड सर्कल फॉर जीरो। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सी, ए इज अ फादर ऑफ बी, मतलब क्या हो जाएगा, जो बी है, सी बी का एक फादर है ए, उनका नाम है। तो ये क्वेश्चन में लिखा ए इज अ फादर ऑफ बी, तो मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ मेरा बी रहेगा हैविंग व्हाट, फादर ए। और फादर बोला तो ये क्या होगा, मेल, तो इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर से डिनोट कर दिया। ये समझा फ्रेंड, ए इज अ फादर ऑफ बी, मतलब बी हैविंग अ फादर विच इज ए, एंड फादर है मतलब क्या हुआ, मेल होंगे, तो उसको हमने क्या किया, स्क्वायर बॉक्स से डिनोट कर दिया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी ब्रदर फ्रेंड्स, तो ब्रदर क्या हो जाएगा, सेम जनरेशन का है, हमारे जनरेशन के होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस, जैसे मैंने यहाँ यूज कर लिया। तो अभी सी क्या बोल रहा है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ए इज अ फादर ऑफ बी, बट वी डोंट नो बी का जेंडर क्या होगा, मेरा बी के फादर ए होंगे विच इज मेल, बट बी का यहाँ इसने कोई जेंडर मेंशन नहीं किया, तो यहाँ हम सर्कल या स्क्वायर नहीं अभी तक फिल कर सकते। सेम क्वेश्चन यहाँ भी बोल रहा है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मतलब बी का एक भाई है ए, बी का एक भाई है ए, अब ब्रदर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, और माइनस है मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो जनरेशन है, इसमें ब्रदर फील हो जाएगा अभी, बट यहाँ मेरा बी का क्या होगा, कोई जेंडर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। अब नंबर थ्री क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा है, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, मतलब अब वाइफ है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि डबल साइडेड एरो हमने यूज करेंगे मैरिड कपल के लिए, तो क्या बोल रहा है, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, तो ए इज अ वाइफ, वाइफ मतलब फीमेल, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया, और यहाँ बी, अब ए इज अ वाइफ ऑफ बी, मतलब अगर ए मेरा फीमेल है तो बी ऑब्वियस में क्या होगा, मेरा मेल होगा। ये समझा क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अभी मैं एक नंबर फोर्थ लेता हूँ और नंबर फिफ्थ के भी कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, हमें और थोड़ा बेटर लगेगा, क्लियर होगा। सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A is a son of B. A is a son of B. मतलब B है उसका कोई एक son है,
तो सन ए और सन है तो ये क्या होगा, जेंडर इसका क्या होगा, मेल। तो मेल के लिए हमने क्या रखा है, स्क्वायर बॉक्स रखा है। सी ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, बट वी डोंट नो इज अ व्हाट इज अ जेंडर ऑफ बी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बी के ऊपर कोई भी जेंडर नहीं फिल करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी, मतलब क्या हुआ, बी है उसके ग्रैंड फादर क्या है, ए है। तो कोई बी है उसके क्या है, ग्रैंड फादर ए है। तो ग्रैंड फादर मतलब बी से ऊपर इनके फादर होंगे, एक प्लेस इधर फिल होगा और इनका एक क्या होगा, इनके ऊपर से एक जाएगा, मतलब ये फादर इनके ऊपर एक फादर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो बी है उसके ग्रैंड फादर ए है। तो ग्रैंड फादर मतलब जेंडर इज मेल, तो इसको हमने स्क्वायर से किया है। और यहाँ मेरा डबल एरो, मतलब बी उसके फादर होंगे और फादर के फादर इज नथिंग बट अ ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर ये मेरा क्या हो जाएगा, जेंडर इज मेल, तो उसको हमने क्या किया है, स्क्वायर बॉक्स से डिनोट किया है। और ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो बी से एक फादर और उससे ऊपर एक, तो यहाँ मैं ना मेरा डबल एरो मार्क हुआ है। तो यहाँ और इसके बीच में कितने जनरेशन का गैप है, दो जनरेशन का गैप है। तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम यहाँ लिख देंगे, अभी जैसे यहाँ मेरा कितने जनरेशन का गैप है, तो सिंगल जनरेशन का गैप है। और नंबर थ्री में क्या था मेरा, सॉरी नंबर टू में क्या था, ब्रदर ऑफ बी इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो वहां मेरा क्या हो जाएगा, जनरेशन जीरो हो जाएगा फ्रेंड। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसपे मेरे ऐसे पूरे डायग्राम में बना के रखूंगा और उससे हमें क्या बताना है, ये पूरे क्वेश्चन के आंसर देने, जैसे इज अ सन ऑफ बी और व्हाट। तो ऐसे में कुछ एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, डायग्राम देख के क्वेश्चन के आंसर देने हैं मैं फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये ट्री डायग्राम दिया हुआ है, और ये ट्री डायग्राम के हेल्प से हमें ये सारे क्वेश्चन के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर चालू करने से पहले अगर आप इसमें अगर स्टडी कर लें इसको, हम ट्री डायग्राम को पहले अच्छे से समझ जाते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सी अगर मैं इसमें से अगर सपोज ए और बी को पेयर कंसीडर कर लेता हूँ, मतलब हस्बैंड और वाइफ के, तो सी ये वाइफ के क्या हो गए, ये मदर, और मदर इज अ कपल्ड विद एफ, तो एफ क्या हो गए, बी के फादर हो गए। तो ये गर्ल इसके मम्मी और इसके पापा, और ये क्या हो गए, इनकी सिस्टर। और सी सेम फॉर यार, अगर ये ए और बी अगर मैरिड कपल हैं और ए के साथ एम है, मतलब ए का एम के साथ में क्या रिलेशन है, सिस्टर का। सी और फिर बी के बाद में के, तो यहाँ मेरा के का कोई जेंडर डिफाइंड नहीं है, तो आइदर हो सकता है ये ब्रदर होगा, आइदर हो सकता है ये सिस्टर होगा। बट एज यू नो बी टू यू इज नथिंग बट वॉट, ये ब्रदर का रिलेशन हो गया सी, क्योंकि यहाँ मैंने स्क्वायर से डिनोट किया। अगर आप यहाँ से चेक करते होंगे, ए और बी मैरिड कपल हैं, और ए और बी मैरिड कपल के बाद मतलब दे बोथ आर द सन, तो यहाँ मैंने एक एरो मार्क किया है, सॉरी एरो मार्क, सो मतलब उनके क्या हो गए, नीचे वाले जनरेशन, और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा मेरा सन, और यहाँ से मेरा एस है, तो ऐसा सेम सिचुएशन है, ऐसा कोई जेंडर नहीं दिया हो तो आइदर ये सन होगा या तो डॉटर होगा। और यहाँ से मेरा टी, तो मतलब एन एन टी बोथ आर द सन, बट वी कांट से एस इज हु, या तो सन होगा या तो वो डॉटर। तो सी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें बताते हैं, देखते हैं सी फ्रेंड्स, अगर इसमें मेरा क्या दिया हुआ है, ए टू एस, ए टू एस, सो मतलब फ्रॉम ए टू एस का रिलेशन, ए से एस का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो ए एंड बी आर मैरिड कपल एंड दे हैविंग अ चिल्ड्रन, सो ए टू एस, तो ए का चिल्ड्रन है ये तीनों सारे। तो जैसे मैंने बताया कि ए एंड बी हैविंग चिल्ड्रन, सो एन इज वॉट सन, टी इज वॉट सन, बट वी डोंट नो द जेंडर ऑफ एस, तो आइदर ही कैन बी, आइदर दे कैन बी सन और डॉटर। तो ए से एस का जो रिलेशन होगा या तो वो सन होगा या तो वो डॉटर होगा, यहाँ मेरा जेंडर मेंशन नहीं किया है, इसलिए अगर यहाँ सर्कल हो जाता तो हम बोल सकते ए से एस का रिलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉटर का। और यहाँ अगर स्क्वायर बॉक्स में रहता तो यहाँ क्या हो जाता है, सन का रिलेशन हो जाता। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन टू एम, एन से एम का रिलेशन, तो एन इधर है और एम इधर है,
तो एज वी नो ए एंड बी बोथ आर द मैरिड कपल एंड एन इज अ सन ऑफ ए, एन इज अ सन ऑफ ए एंड ए हैविंग अ सिस्टर, ए हैविंग अ सिस्टर, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, यहां से आंट हो जाएगा। सी यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एन ए एंड बी आर मैरिड कपल एंड ए हैविंग अ सन एन, तो इसने बोला एन से एम का रिलेशन, तो यहां से क्या हो जाएगा आंट का रिलेशन एन से एम का, तो क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एफ टू एन, अभी एफ किधर है, एफ यहाँ है, एफ से एन की तरफ, यहां से यहां जाएंगे। एज वी नो ए एंड बी बोथ आर द मैरिड कपल एंड बी के मम्मी इज सी, बी के मदर इज सी एंड सी और एफ इज अ मैरिड कपल, मतलब बी और एफ क्या हो गए फादर हो गए, अब बी का एफ से क्या हो जाएगा फादर का रिलेशन, एंड एज वी नो फादर की लड़की और इनके चिल्ड्रन सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा दो जनरेशन का गैप है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा ग्रैंड सन, एफ टू एन, एफ की डॉटर इज बी और बी का सन इज एन, सो एफ टू एन इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स ग्रैंड सन हो जाएगा। अब सी टू एस नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेम यहाँ ये तो थर्ड हो गया, अब सी से एस की तरफ, एज वी नो बी ए एंड बी बोथ आर द मैरिड कपल एंड बी की मम्मी इज सी, तो यहाँ मेरा हो गया, एंड यहाँ क्या हो जाएगा सेम ये भी ये बोथ आर द मैरिड कपल एंड सी टू एस इसने बोला है, तो आइदर ही कैन बी ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सी टू एस, सी टू एस, सी फ्रेंड्स सी टू एस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा सी से एस, तो ये बोथ आर द मैरिड कपल एंड यहाँ से यहाँ जो मेरा गया तो यहाँ से क्या होगा डॉटर और डॉटर का या मेरा जेंडर मेंशन नहीं किया, तो आइदर ही कैन बी सन और दे कैन बी सन और दे कैन बी डॉटर, तो सी से एस के तरफ का रिलेशन क्या हो जाएगा ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, के से ए का रिलेशन, के से ए का रिलेशन, तो ऑब्वियसली के से ए का रिलेशन बोथ आर द व्हाट बोथ आर द मैरिड कपल एंड यहां से मेरा क्या हो जाएगा बी हैविंग व्हाट, आइदर ये मेरा क्या हो सकता है या तो ये इसके भाई होंगे या तो इसकी बहन होगी, ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, तो ब्रदर से ये क्या होंगे ये मेरा सी, अब ये मेरा क्या है सी, ये क्या हो जाएगा मेरा ब्रदर इन लॉ, तो के टू ए इसने क्या मेंशन किया सी फ्रेंड के टू ए ये हो जाएगा। सो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझा, के टू ए क्या हो जाएगा मेरा ब्रदर इन लॉ। अब सी इसने क्या बोला है नंबर सिक्स में बी टू एम, सो बी से एम, बी का हस्बैंड इज ए और ए का सिस्टर इज एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा हस्बैंड सिस्टर, सो सिस्टर इन लॉ। सी बी टू एम इसने बोला, तो बी का हस्बैंड इज ए और ए का सिस्टर इज एम, सो क्या हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बी से एम की जगह पे जाना, तो क्या हो जाएगा हस्बैंड सिस्टर, सो सिस्टर इन लॉ, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। अभी सी नंबर सेवेंथ दिया इसने, तो सेवेंथ कितना दिया है ए से के की जगह पे जाना है, तो ए हैविंग अ वाइफ इज बी एंड बी का रिलेशन या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा, के यहाँ इसने जेंडर मेंशन नहीं किया है, तो अगर ये मेरा ए से के की पूछ रहा है, तो अगर के मेरा अगर जेंडर मेल है इसका, तो कि क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, अगर के इज हैविंग सपोज के अगर गर्ल है तो क्या हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, वाइफ ब्रदर ब्रदर इन लॉ, वाइफ सिस्टर सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ अगर मेरा जेंडर दिया रहता तो हम उसको एक्यूरेट मेंशन कर सकते, बट अगर यहाँ नहीं दिया है तो हम क्या बोलेंगे या तो ब्रदर इन लॉ या तो सिस्टर इन लॉ, ए टू के की जगह पे। अब नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला इसने, फ्रॉम ए टू एफ, फ्रॉम ए एंड वेर इज एफ इज हियर, तो सी हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल एंड दे बी हैविंग अ मदर एंड दे बोथ आर द व्हाट मैरिड कपल, सो एज वी नो
वाइफ मदर फादर, सो वाइफ मदर फादर, सो वाइफ फादर, सो फादर इन लॉ, ए से एफ की तरफ जाना है तो ए से एफ, वाइफ फादर, वाइफ के फादर इज व्हाट, फादर इन लॉ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा नंबर 8 इज व्हाट, फादर इन लॉ। तो सी फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और लेके, और भी बहुत सारे बुक्स में से आप पढ़ लीजिए, तो इसके जितने भी ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी आएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको फ्रेंड्स। और भी इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, और तो उसको उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा फ्रेंड्स रहने वाला है वो मेरा रहेगा इसकी बेसिस पे, क्वेश्चंस जो भी हैं वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये तो मेरा क्या था फ्रेंड्स, ये तो मेरा बेसिक था कि इसके सिंबल्स क्या रहेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। जैसे ये ट्री डायग्राम बना के दे दिया, तो बी से यू का रिलेशन क्या है, एन से बी का रिलेशन क्या है, एम से जो भी रिलेशन है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सॉरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, उसमें हम जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें। और अगर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।